हमारी मराठी है ऑनलाइन करके, हिंदी फिल्म है, दो हिंदी फिल्म में उनका भी काम चल रहा है, और एक वेब सीरीज़ है, तो ऐसा काम चल रहा है। जिला की स्ट्रगल की कहानी है कि जैसे एक छोटे घर में, मतलब एक जो काम वाली बाई है शीला, बड़े बड़े घरों में जाके खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, और उसका एक हिडन टैलेंट है जिसका किसी को पता चलता है। और उसके बाद उस छोटे से चौल में एक जो अपने हस्बैंड और बेटे के साथ रहती है, क्या होता है उसका स्ट्रगल, कैसे रहता है उसका हस्बैंड, क्या रिएक्ट करता है सोसाइटी, क्या रिएक्ट करता है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है शीला की। और इस इंटरेस्टिंग शीला की जर्नी में मैं शीला का हस्बैंड फाउंडर, मस्त मौला आदमी है, उसको बस उसकी एक क्वार्टर चाहिए रोज, शराब पीना है उसको, अयाशी करना है। मुझे लगता है आजकल सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया है, या आप अगर आप कुछ यूट्यूब पे खुद अपने कर डाल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ सडनली बिकम पॉपुलर, तो मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इस मीडिया का, मतलब सोशल मीडिया का, अच्छा भी है बुरा भी, लेकिन हमको देखना चाहिए कि कैसे शीला को इस सोशल मीडिया का फ़ायदा होता है। और काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं अपने देश में, भारत देश में काफ़ी टैलेंट है, और टैलेंट को अगर सराहना चाहिए तो मुझे लगता है कि ये काम आगे बढ़ना चाहिए, आगे होना चाहिए। अभी बच्चों के हाथ में मोबाइल देना है नहीं देना है, बच्चों को क्या देखना क्या नहीं देखना है, ये बच्चों को समझ में नहीं आता, पेरेंट्स को समझ में आता है। और अगर आपको कुछ चीज़ें बच्चों को अलाउ नहीं करनी है तो आपके हाथ में है, क्योंकि हम लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, बच्चों को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए ये हमको डिसाइड करना चाहिए, बच्चे नहीं डिसाइड कर सकते। और बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, वी कैन लॉक दैट ऐप, हम लोग उनको बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि बच्चे आजकल के अगर बहुत ही शरारती है तो नहीं सुनेंगे, पर मोस्टली मुझे लगता है कि बच्चे अपने माँ बाप का सुनते हैं, और क्योंकि मुझे लगता है कि सेंसरशिप अगर नहीं है तो उसका फ़ायदा भी है, गैर फायदा भी है, और जो आपको दिखाना चाहते हैं वो आप दिखाओ, लोग डिसाइड करेंगे क्या देखने क्या नहीं।